तारीख थी 10 जून 2017। जगह थी बर्लिन और मुकाबला था फॉर्मूला ई का। फॉर्मूला ई एक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप है जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही हिस्सा लेती हैं। दुनिया भर की कंपनी इसमें हिस्सा लेती है, पर 10 जून 2017 को जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। Away we go. The Berlin E-Prix is underway. भारत की ओर से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी इसमें हिस्सा ले रही थी, और हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि जीत भी हासिल की। जीत ऐसी कि दो स्थानों में अपनी जगह बना ली, पहली और तीसरी भी। भारत की ये पहली जीत थी। क्या नजारा रहा होगा जब बर्लिन की धरती पर हमारा राष्ट्रगान गूंज रहा था। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हम में से कईयों को ये गलतफहमी होगी कि महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ गाड़ियाँ या ट्रैक्टर्स ही बनाती है, पर क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज 11 विभागों और 22 उद्योगों में अपना परचम लहरा रही है। इसमें एरोस्पेस, आफ्टर मार्केट, एग्री इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, बोर्ड्स, क्लीन एनर्जी, ऐसे कई और नाम शामिल हैं। तो अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शुरुआती दिनों के बारे में। 1892 में लुधियाना पंजाब में स्थित एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने इस बच्चे का नाम जगदीश रखा। जगदीश बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। जगदीश जब कम उम्र के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। जगदीश 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और इसीलिए घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी, पर उन्हें पढ़ाई का महत्व पता था, इसीलिए उन्होंने अपने सभी भाई बहनों की पूरी पढ़ाई करवाई। इतना ही नहीं, जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भी भेजा। अपने शुरुआती दौर 1929 से 1940 तक जगदीश चंद्र महिंद्रा ने टाटा स्टील में बतौर सेल्स मैनेजर की नौकरी की। इसके बाद उन्हें भारत का पहला आयरन एंड स्टील कंट्रोलर भी बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1942 में बतौर हेड ऑफ इंडियन परचेसिंग मिशन अमेरिका में काम करने लगे। 1945 में उन्हें चेयरमैन ऑफ कोल कमीशन भी बनाया गया। 1945 का दौर था जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, और दोनों भाइयों को पूरा विश्वास था कि भारत को आजादी मिल जाएगी। भारत के विकास के लिए दोनों ने खुद की स्टील कंपनी खोलने का निर्णय लिया। अब निर्णय तो ले लिया, पर स्टील कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। अब यह जज्बा और जुनून ही तो था कि उन्होंने अपने कलकत्ता वाले घर को बेच दिया और साथ ही साथ अपने हाई पोजीशन जॉब का भी त्याग किया। पर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी थी। अब उन्हें तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसे फिनेंस के क्षेत्र में महारत हासिल हो। उन्होंने हाथ मिलाया मलिक गुलाम मोहम्मद से, जो उस दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से इंडियन रेलवेज में काम कर रहे थे। आखिरकार 2 अक्टूबर 1945 के दिन महिंद्रा बंधु और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर एक स्टील कंपनी की नींव रखी, और इस कंपनी का नाम रखा गया महिंद्रा एंड मोहम्मद। जी हाँ, ठीक सुना आपने, महिंद्रा एंड मोहम्मद। तो आप सोच रहे होंगे कि महिंद्रा एंड मोहम्मद महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे बनी।
तो कंपनी को शुरू हुए 2 साल भी नहीं हुए थे कि देश में खुशी की लहर दौड़ उठी। भारत को आजादी मिलने की घोषणा हुई, पर इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक अंग्रेज ने किसी कागज के टुकड़े पे लकीर खींचकर देश के 2 हिस्से कर दिए। इसका असर महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी पर भी पड़ा। जी हाँ, मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। उन्हें पाकिस्तान का पहला मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चुना गया और उसके बाद वो पाकिस्तान के 3रे गवर्नर जनरल भी बने। अंग्रेजी में एक कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन। मलिक गुलाम मोहम्मद के जाने के बाद 1948 में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। कंपनी को लुधियाना से अब शिफ्ट करके मुंबई में स्थापित किया गया। जगदीश चंद्र महिंद्रा के बारे में ये कहा जाता है कि वे बादलों में सोचने वाले व्यक्ति थे, हमेशा नए विचार खोज लेते और इन्हीं विचारों को पूर्ण करने हेतु अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा से कहते। कैलाश चंद्र महिंद्रा हर चीज को बारीकी से सोचने और किसी भी कार्य को बेहतरीन आयोजन करने के लिए जाने जाते थे। महिंद्रा बंधु अब स्टील के साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी हाथ आजमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जीप और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया। किसी ने खूब कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही चमकता है। कड़ी मेहनत के बाद 15 जून 1955 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी पब्लिक डिक्लेयर हुई और 1956 में उसके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नामांकित हुए। 1983 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी इंडियन ट्रैक्टर मार्केट की प्रमुख कंपनी बनी। आज 30 साल से भी अधिक वर्षों से उन्होंने इस औहदे को बनाए रखा है। इसी तरह 1991 में टेलीकॉम, 93 में फिनेंस, 96 में हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स और 97 में एजुकेशन सेक्टर में अपने कदम रखे। इसी तरह उन्होंने न जाने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की है। अगस्त 2012 में जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिन्होंने आज भी कंपनी की बागडोर मजबूती से संभाली हुई है। कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति की पहचान उसके सोच और बुद्धि से होती है, ना कि उसके धन और दौलत से। यही सोच आनंद महिंद्रा में दिखाई देती है। हाल ही में उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद के हेतु अपनी 100% आमदनी एक फंड द्वारा योगदान की है। तो ये थी महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो मैं विनीत कुकरेती विदा लेता हूं और फिर लौटूंगा जनविन स्टूडियोज की पेशकश जाने माने नामों की अनजानी बातें के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।